Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर हैं। अपने नेता अरविंद केजरीवाल के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। न सिर्फ देश भर में बल्कि विदेशों में भी अब केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हां, बता दें कि जर्मनी के बाद अब अमेरिका के भी विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई है। बता दें कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर से जब सवाल पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर से जब केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल पूछा गया तो मैथ्यू मिलर ने कहा, हम भारत की प्रमुख विपक्षी शख्सियत केजरीवाल की गिरफ्तारी की रिपोर्ट्स पर नजर बनाए हुए हैं और देश में निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई की उम्मीद करते हैं। हम मुख्यमंत्री केजरीवाल के निष्पक्ष पारदर्शी और समयबद्ध कानूनी प्रक्रिया की उम्मीद करते हैं। अब केजरीवाल पर अमेरिकी राजदूत की टिप्पणी के बाद नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने अमेरिकी दूतावास की एक्टिंग डेप्यूटी चीफ ग्लोरिया बारबिना को सम्मन भेज तलब किया। ये बैठक 30 मिनट से अधिक समय तक चली। भारत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर की गई अमेरिकी विदेश विभाग की टिप्पणी को अनुचित करार देते हुए भारत ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए पलटवार किया और कहा, हमारे यहाँ कानूनी कार्रवाई पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय का बयान गलत है। डिप्लोमेसी में उम्मीद रहती है कि देश एक दूसरे के घरेलू मसलों और संप्रभुता का सम्मान करेंगे, वरना अव्यवस्था बन जाती है। लेकिन भारत के इस तक जवाब के बाद भी अमेरिका अब भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर दिए अपने बयान पर कायम है। अमेरिका ने दोबारा मिलती जुलती बात कह डाली है। उसने दोहराया है कि वो अपने स्टैंड पर कायम है। अमेरिकी प्रवक्ता द्वारा कहा गया है कि वे निष्पक्ष पारदर्शी और समयबद्ध कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करता है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने एक बार फिर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा, मैं किसी निजी राजनयिक बातचीत के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन निश्चित रूप से हमने सार्वजनिक रूप से जो कहा है वही मैंने यहां से कहा है कि हम निष्पक्ष पारदर्शी समयबद्ध कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं। हमें नहीं लगता कि किसी को इस पर आपत्ति होनी चाहिए। यही बात हम निजी तौर पर स्पष्ट कर देंगे। बहरहाल अब देखना होगा कि अमेरिका के इस रुख पर क्या भारत फिर कोई कदम उठाता है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।